रोमन रिंग्स ने 316 दिनों बाद अपनी चैंपियनशिप को कोडी रोड्स को पास ऑन कर दिया। रोमन रिंग्स ने ये चैंपियनशिप रेन तब शुरू करी थी जब पेंडेमिक कोविड की वजह से कोई भी अरीना में फैंस नहीं हुआ करता था। रोमन रिंग्स ने मैजिक क्रिएट करा, एक नया ब्रांड बनाया, जिसके बाद WWE आज इतना बड़ा फैन बेस और बना सका। रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज तो मैं टाइटल और बिना टाइटल के हमेशा करता ही रहूंगा, बट रोमन रिंग्स की हार के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रोमन रिंग्स? क्या रोमन रिंग्स अब WWE से रिटायर हो जाएंगे? जैसा कि खुद रोमन रिंग्स द ग्रेट वन रोमन रिंग्स ने कहा था, द सेकंड आई विल लूज दिस चैंपियनशिप आई विल लीव WWE। रोमन रिंग्स की चैंपियनशिप जा चुकी, क्या रोमन रिंग्स भी चले जाएंगे? इसका जवाब ट्रिपल एच ने अपने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे दिया। रोमन रिंग्स के बारे में ट्रिपल एच ने कहा कि ट्रिपल एच का मानना है कि रोमन रिंग्स की अब इससे भी बड़ी स्टोरी है। रोमन रिंग्स फैंस के लिए और कुछ नया लेके आएंगे जो शायद अब एक टाइटल नहीं होगा। रोमन रिंग्स खुद इतने बड़े हो चुके कि वो टाइटल से भी बड़े हैं। ट्रिपल एच के इन शब्दों से तो मुझे साफ समझ आता है कि बेशक रोमन रिंग्स कुछ टाइम के लिए WWE से दूर जाने वाले हैं, पर वो जब वापस आएंगे तो वो हमेशा बिगर बेटर ही WWE में आएंगे और वो कोई नई स्टोरी लाइन WWE के फैंस के लिए लेकर आएंगे। यानी कि रोमन रिंग्स ने जैसा कहा था कि वो WWE को छोड़ देंगे वो टाइटल हारते ही, ऐसा नहीं होगा और हमें रोमन रिंग्स अभी भी WWE में नई स्टोरी लाइंस क्रिएट करते रहेंगे। बट रोमन रिंग्स के मैचअप्स अब काफी ज्यादा स्पेशल हुआ करेंगे, इसीलिए हमें वो बिग मैचेस सऊदी अरेबिया, समर स्लैम और ऐसे मैचेस में देखने को मिल सकते हैं। रोमन रिंग्स का मैजिक बरकरार रहेगा, इसलिए उनके फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या रोमन रिंग्स टाइटल के लिए रीमैच की डिमांड करेंगे? ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रोमन रिंग्स अब समर स्लैम से पहले नहीं आएंगे और अब रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में मैच नंबर 3 मुझे नहीं लगता WWE करवाने वाला है। इसीलिए रीमैच भी रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के बीच में हमें देखने को नहीं मिलेगा। रोमन रिंग्स आगे चल के टाइटल हो ना हो, हमें उन्हें एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा।